हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 2-3 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाते हैं। फ्रॉक टॉप एंड प्लाजो, ये 2-3 ईयर बेबी के लिए है। इसके लिए हमने 1.25 मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 2 पीस ले लिए हैं योक के। इसकी लेंथ 9 इंच है और ब्रेथ इसकी चौड़ाई 14 इंच है। इसको हम डबल कर लेते हैं, 4 फोल्ड इसकी हो गई है। अब हम इसका शोल्डर का मार्क लगाते हैं, 4.5 इंच हमें शोल्डर रखना है और आर्म होल भी हमें 4.5 इंच रखना है। यहाँ से हम इसको चकोर कर लेते हैं। नीचे की साइड से हमें 1 इंच का फिटिंग का निशान लगा देना है और इसको ऊपर की साइड तक मिला देना है। आर्म होल में हमें गोलाई कर लेनी है। नेक हमें 2 इंच का रखना है चौड़ाई में, और लंबाई में भी दोनों नेक हमें 2 इंच के रखने हैं। उसके बाद हम फ्रंट का नेक 3.5 इंच का कर लेते हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसको और बढ़ा देते हैं। पहले हमें दोनों नेक बराबर काट लेने हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम हल्का सा ढालदार काट लेते हैं। ये अगर हम ढालदार काटते हैं तो इससे फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब एक पीस को निकाल लेते हैं और फ्रंट के नेक को हम बढ़ा लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का पीस हो गया है और ये बैक का पीस हो गया है। बैक के पीस में से हम 3 इंच का कट लगा देते हैं बेबी के सिर में, ताकि आसानी से ये आ जाए। ये हमने एक पट्टी ली है, 3 इंच की इसकी चौड़ाई है और 5 इंच की इसकी लेंथ है। इसको हम बीच में से कट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें इसको रखना है और ऐसे चारों तरफ इसके सिलाई लगाते हुए बैक साइड में इसको पलट लेना है। ये फ्रंट साइड का आर्म होल है, इसमें हम 1/2 इंच की बीच से गहराई करते हैं। शुरू में भी कम रखते हैं और एंड में भी कम रखते हैं और बीच से 1/2 इंच की इसकी गहराई कर देते हैं। इससे फिटिंग बेबी के पहनकर बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये हमारे घेरे हैं, 2 पीस हमने ले लिए हैं। इसकी लेंथ 7 इंच है और चौड़ाई इसकी 23 इंच है। इसमें यहाँ पर हमें ऐसे करते हुए चुन्नटें डाल लेनी है। ये 2 पीस हमारे प्लाजो के हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 21 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 21 इंच है। इसको हम एक बार और डबल कर लेते हैं, 4 फोल्ड इसकी हो गई है। यहाँ से 2 इंच पर हमें आसन की चौड़ाई का निशान लगाना है और 9 इंच पर हमें इसकी लेंथ का निशान लगाना है। ऐसे करते हुए हम इसको चकोर कर लेते हैं। मोहरी हमें 8 इंच की रखनी है। फ्रेंड्स, मोहरी आप अपनी बेबी के हिसाब से और कम भी रख सकती हैं, 6 इंच या 7 इंच भी इसकी मोहरी रख सकती हैं। आसन की हमने गोलाई कर ली है। यहाँ पर 1.5 इंच का हम लास्टिक डालने के लिए नेफे का निशान लगा देते हैं। 1 इंच का नीचे से फोल्ड करने के लिए मोहरी पर से निशान लगा देते हैं। अब हम इसकी साइड के कटिंग कर लेते हैं। इसके निशान हम इस तरीके से मिला देते हैं ताकि ये सब जगह से बिल्कुल बराबर आए, कहीं से भी कमियां ज़्यादा ना हो। मोहरी पर भी हम निशान लगा लेते हैं और ऊपर के आसन पर भी दोनों साइड हम निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, दोनों साइड हमारे निशान लग गए हैं। अब ये हमारा बैक साइड का गला है। हमने पट्टी को नीचे की साइड रख लिया है और इसको ऐसे करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। बीच से इसमें एक कट लगा देना है जिससे ये पलटने में आसानी रहे। अब जो हमारा योक का सब कपड़ा है वो हमें इस पट्टी के नीचे कर देना है। इस सिलाई लगाने से हमारी पट्टी बहुत अच्छी तरीके से पलट जाती है, इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की साइड को फोल्ड कर देते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ में ये पट्टी लगा रही हो तो कट लगाकर सारा कपड़ा इसके नीचे रखकर और इसके ऊपर एक सिलाई ज़रूर लगाइएगा, जिससे ये आसानी से बैक साइड को फोल्ड हो सके। हमारी पट्टी लग चुकी है, अब हम शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे जब हम साइड की पाइपिंग या अंदर की साइड की पट्टी लगाएं तो साइडों से ये शोल्डर हमारे खुलते नहीं हैं। ये हमारी पाइपिंग है, फुल रेब की हमने पाइपिंग काटी हुई है। ये 1 इंच की चौड़ाई की हमने पाइपिंग ली है। इसको हम हल्के हल्के से खींचते हुए लगाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी पाइपिंग कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान रखकर बनाती हैं तो आपकी पाइपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। आप इसमें अंदर की पट्टी भी लगा सकती हैं। ये देखिए, हमने थोड़ी थोड़ी सी इसको खींचते हुए सब जगह से बराबर पाइपिंग पर सिलाई लगा दी है। अब जो पाइपिंग का कपड़ा है वो हमें पाइपिंग के अंदर की साइड को ही करना है और पाइपिंग के बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई लगा देनी है। हमारी सिलाई पाइपिंग पर नहीं आनी चाहिए। जब हम ऊपर की साइड पर सिलाई लगाते हैं तो हम बहुत धीरे धीरे से लगाते हैं ताकि हमारी पाइपिंग के बराबर में सिलाई आए, पाइपिंग पर नहीं आए। किसी भी चीज़ में आप इस तरीके से पाइपिंग लगा सकती हैं। ये देखिए, पाइपिंग हमारी लग चुकी है। इसी तरीके से हमें इस साइड में भी, आर्म होल में भी, दूसरे में हमें ऐसे ही पाइपिंग लगानी है और नेक में भी ऐसे ही पाइपिंग लगानी है। नेक में हमें थोड़ी सी बैक साइड से एक्स्ट्रा छोड़ते हुए पाइपिंग लगानी है ताकि वो अंदर की साइड को फोल्ड हो सके। ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हमारा नीचे का ये घेरा है, इसमें हम प्लेट्स डालकर इस पर सेट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे प्लेट्स इसमें डालने में परेशानी हो तो आप घेरे में अलग से प्लेट्स डालकर उसके साथ योक को लगा सकती हैं। बारीक बारीक सी प्लेट्स इसमें डाल सकती हैं। आप चाहे तो इसमें धागे वाली चुन्नटें भी डाल सकती हैं। जिस तरह की आपको पसंद हो, आप चुन्नटें उसी तरह की इसमें डाल सकती हैं। इस तरीके से हम योग और घेर को जोड़ लेते हैं। ये हमारा चुन्नटें डलकर घेरा तैयार हो गया है। दूसरा घेरा भी हमें ऐसे ही लगा लेना है, इस साइड का भी हल्की हल्की सी चुन्नटें डालते हुए घेरे को तैयार कर लेना है। ये दोनों साइड का हमारा घेरा लग चुका है। अब हमें इसको ऐसे रखते हुए मिला लेना है और साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, ये साइड की फिटिंग आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर भी लगा सकती हैं, थोड़ी सी इससे कम या थोड़ी सी इससे ज़्यादा। इससे फिटिंग और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। इसी तरह के काफ़ी प्यारे प्यारे से डिज़ाइन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप चैनल पर से वीडियो देख सकते हैं। इस साइड की फिटिंग भी हमें ऐसे ही लगा लेनी है। हमने दोनों साइड की फिटिंग लगा ली है। अब हम इसमें नीचे की साइड से घेरे की बारीक सी किनारी मोड़ लेते हैं। ऐसे करते हुए हम घेरे की किनारी मोड़ लेते हैं। घेरा मोड़ते हुए ध्यान रखना चाहिए, हमारा अंदर का कपड़ा कहीं से भी निकलना नहीं चाहिए। चारों तरफ हमें ऐसे ही घेरे पर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है, टॉप तैयार हो गया है हमारा। ये प्लाजो है, प्लाजो का आसन है। आसन को हमें इस तरीके से रख लेना है और इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी है। हम डबल सिलाई लगाते हैं तो हमारे घर में सिले हुए कपड़े काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, जिससे वे जल्दी से उधड़ते नहीं हैं। दूसरी साइड के आसन पर भी हमें इसी तरीके से डबल सिलाई लगाकर आसन को तैयार कर लेना है। यहाँ से आसन पर भी हमें ऐसे ही डबल सिलाई लगानी है। ये हमारी मोहरी है। मोहरी पर जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है फोल्ड का, वहाँ से हम इसको मोड़ते हुए इस पर एक सिलाई लगा देते हैं। दूसरी मोहरी पर भी हमें ऐसे ही सिलाई लगाते हुए मोहरी को तैयार कर लेना है।
हमने दोनों मोहरी पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे करते हुए मिला लेते हैं और इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे हमारी सिलाई खुले नहीं। इस जगह से हम थोड़ा सा पक्का कर देते हैं। जब दोबारा सिलाई लगाते हैं तब भी इस जगह से थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं। नीचे की साइड से जब हम पक्का करते हैं तो हमारी जल्दी से सिलाई खुलती नहीं है। ऐसे पक्का करते हुए इसको निकाल देते हैं। ये 17 इंच की हमने लास्टिक ली है इसमें डालने के लिए। ये यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, इतना हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। एक बार हम लास्टिक से माप लेते हैं। लास्टिक से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमारा नेफा होना चाहिए, जिससे हमारी लास्टिक आराम से इसके अंदर फिर जाए, परेशानी ना हो। ये देखिए पूरा नेफा हमें इसी तरीके से मोड़कर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ से नेफे का छोड़ देते हैं लास्टिक डालने के लिए। अब इस लास्टिक को हम पिन में ऐसे पिरो लेते हैं और इसको यहाँ से खुले हुए हिस्से में से अंदर की साइड को डाल देते हैं। हमने लास्टिक से माप कर नेफा मोड़ा है तो इससे ये आराम से इसके अंदर फिर जाती है। फ्रेंड्स ये लास्टिक डालने का सबसे आसान तरीका है। आपकी लास्टिक बहुत आराम से, आप अच्छी तरीके से लास्टिक डाल सकती हैं किसी भी चीज़ में। अब हम इसके पीस को मिला लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। खींच कर इलास्टिक को बराबर कर लेते हैं और इस खुले हुए हिस्से पर भी सिलाई लगा लेते हैं। अब हम लास्टिक के बीच में एक सिलाई लगा लेते हैं पीछे की तरफ से लास्टिक को खींचते हुए। अगर हम ये सिलाई लगाते हैं तो हमारे प्लाजो की लास्टिक मुड़ती नहीं है। ये बो है, ये लंबाई में 4 इंच की है और चौड़ाई में 8 इंच की है। दूसरी बो 3+6 इंच की है। यहाँ से हमने बो को डबल कर लिया है। इसके ऊपर हम 1-1 इंच की साइडों में सिलाई लगा देते हैं। इस साइड से भी हम 1 इंच की सिलाई लगा देते हैं। अब हम इसको बीच में इस तरीके से कर लेते हैं और यहाँ पर साइड में इसके एक सिलाई लगा देते हैं। इस साइड में भी हमें ऐसे ही करते हुए इसकी सिलाई लगा देनी है। ये बीच का हमारा खुला हुआ हिस्सा है, यहाँ को हम इसको पलटते हैं। दूसरी बो भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेनी है, साइड में सिलाई लगा लेनी है इसके भी। अब इसको हम ऐसे करते हुए पलट लेते हैं और इसमें साइड में सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हम इसको इस खुले हुए हिस्से में को पलट लेते हैं और इसकी नोक हम किसी भी चीज़ से निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से। दोनों बो को सेम हमें ऐसे ही पलट लेना है। ये देखिए आप किसी भी चीज़ की मदद से इसकी नोक अच्छी तरीके से निकाल सकती हैं। अब हमें इसको डबल कर लेना है और इसके बीच सेंटर में निशान लगा लेना है। इसके भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है ताकि हमारी चुन्नटें बराबर आए। फ्रेंड्स आप इसको सुई की मदद से भी चुन्नटें डाल सकते हैं, लेकिन हम आपको मशीन की मदद से चुन्नटें डालना बता रहे हैं। आप किसी भी तरह की बो, किसी भी फैब्रिक की बो मशीन की मदद से बहुत प्यारी सी बो बना सकते हैं। अब इस पर 2-3 सिलाई लगा लेते हैं ताकि इसका बीच का हिस्सा छोटा हो जाए और इसकी चुन्नटें खुले नहीं। ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी चुन्नटें डल गई हैं। इसमें भी हमें ऐसे ही चुन्नटें डाल लेनी है। निशान हमने पहले ही लगाया हुआ है। टाइट करते हुए बहुत कम हिस्सा यहाँ से हमें रखना है। अब दोबारा भी हम थोड़ा सा हाथ को चुन्नटों को कम कर लेते हैं और इस पर 2 से 3 सिलाई हम लगा देते हैं। ये देखिए हमारी दोनों बो तैयार हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर ये बो रख लेते हैं और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स ये सिलाई हमें धीरे धीरे से लगानी चाहिए क्योंकि कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है, नहीं तो इस पर सुई टूट जाती है। ये हमने डोरी ली है, ये हमने रेडीमेड डोरी ली है।
आप इसको घर पर भी बना सकते हैं और कोई भी रेडीमेड डोरी इसमें लगा सकते हैं। आप ये बो अपनी किसी भी ड्रेस के लिए तैयार कर सकते हैं। ये लुप्पी के लिए हमने फैब्रिक लिया है, दो पीस हैं ये। ये चकोर हैं 3 इंच की लेंथ में और 3 इंच की चौड़ाई में। इसके बीच में हम डोरी को रख लेते हैं डबल करते हुए पीस को, और इसका नोक वाला हिस्सा उठाते हुए बीच में रख लेते हैं और यहाँ पर पक्का करते हुए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हम आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं, बीच में डोरी को रखना है और इसमें ऐसे करते हुए साइड में सिलाई लगानी है और ये नोक वाला हिस्सा उठाकर हमें बिल्कुल बीच में इसके रख लेना है। इससे इसका लुप्पी का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनता है लटकन का। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी ये बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरह की बो अपनी किसी भी ड्रेस में बनाकर लगा सकती हैं बेबी के लिए। ये देखिए हमारी बो तैयार हो गई है। अब हम इस बो को यहाँ बीच फ्रॉक में टॉप में अपने लगा देते हैं। इसको हम सुई की मदद से लगाते हैं और बैक साइड में आई हुक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बो लगा दी है। कितनी प्यारी सी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। बीच में हमने लास्टिक डाल दी है और बहुत छोटे से फैब्रिक में और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।